इंडियन प्रीमियर लीग कोरोना वायरस महामारी की वजह से 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच यूएई में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए फ्रेंचाइजीज और खिलाड़ियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसे में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा भी अब एक्शन में लौट आए हैं। अन्य क्रिकेटरों के साथ रोहित भी लॉकडाउन के चलते अपने घर पर ही परिवार के साथ वक्त बिता रहे थे। लंबे इंतजार के बाद रोहित शर्मा नेट्स में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के रद्द होने के बाद से सभी क्रिकेट गतिविधियां स्थगित थी। रोहित न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में मैदान पर दिखाई दिए थे। 195 दिनों के बाद रोहित अब वापस एक्शन में लौटे हैं। रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के नेट पर अभ्यास कर रहे हैं। दरअसल आईपीएल 2020 से पहले रोहित अपनी लय हासिल करना चाहते हैं। खिलाड़ियों के लिए लंबे समय घरों में कैद रहने के बाद फिटनेस बड़ी चुनौती होती है। दरअसल मुंबई इंडियंस के लिए रोहित की फॉर्म अहम होगी। दरअसल आईपीएल का अधिकृत शेड्यूल आना अभी शेष है, लेकिन पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी ने भी शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके बाद रोहित ने ट्वीट करके कहा कि अब 19 तारीख को टॉस के दौरान धोनी और वो आमने सामने होंगे। मुंबई इंडियंस 2019 के आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग को 1 रन से हराकर चौथी बार आईपीएल का खिताब जीता था। दरअसल रोहित ने कहा, निश्चित रूप से हमें नीले रंग में जर्सी में उनकी कमी खलेगी, लेकिन हम उन्हें पीले रंग की जर्सी में मैदान पर जरूर देखेंगे। 19 सितंबर को टॉस के समय मिलते हैं। रोहित ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि धोनी अगले कुछ साल आईपीएल में जरूर खेलेंगे। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।